हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सब मस्त हो, खुश हो। वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। तो आज के टॉपिक हमारा जेड फोर, बहुत डिमांड आ रही थी जेड फोर के बारे में। ओनरशिप रिव्यू लाओ या फिर कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है वो बताओ। तो भाई इसमें तो सब कुछ ही हो गया है, ये लगा लो ये टॉप मॉडल है, ये जेड फोर नहीं है, जेड एट मॉडल है। तो भाई ये जेड फोर बची नहीं है, जेड के जेड एट एल से भी ऊपर हो जाएगी कुछ दिनों में, मेरे को जैसा लग रहा है देख के। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस कार में क्या क्या हुआ है और भाई का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अभी तक क्या है। और भाई पहले बलिनो ऑन करते थे, बलिनो से हैचबैक से एक्सयूवी में आए हैं, क्या बॉडी रोल है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ शेयर करेंगे भाई अपना एक्सपीरियंस। तो भाई वीडियो में दे रहा हूँ। तो सनी भैया वेलकम है हमारे चैनल पर आपका, थैंक यू आपने अपना समय दिया कीमती। नहीं यार, मुझे लग रहा है कि आपने अपना समय दिया वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा भैया आपका भी चैनल है, आप बताना चाहोगे अपने चैनल के बारे में? मेरा चैनल है लाइफ राजी के नाम से, मतलब उस पर सब कुछ करते हुए हैं, खाना भी खाते हैं, कभी जाकर उसका व्लॉग बनाते हैं, कभी गाड़ियों का, मतलब जिंदगी में जो भी चल रही होती है चीजें कुछ इंटरेस्टिंग, वो हम लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करते हैं। और स्कॉर्पियो एन का तो है ही है हाँ, अभी फिलहाल। स्कॉर्पियो एन तो यार अपनी फेवरेट हो गई है जब से आई है। अच्छा तो भैया स्कॉर्पियो एन आपने क्यों परचेज करी, पहला क्वेश्चन तो ये करूंगा मैं। पहले कौन सी कार यूज कर रहे मेरे थे पास इससे पहले? थी बेलिनो 1.2 पेट्रोल 2018, वो भी एक अच्छी गाड़ी है, हल्की गाड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी सेफ्टी पे जब आती है तो मारुति स्टैंड नहीं करती है, ये हम सब जानते हैं, उसको अच्छा कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और महिंद्रा ने लाइक जब से थार आई है, एक्सयूवी 700 आई है, तो 5-स्टार रेटिंग आ रही है, तो कोई भी एक फैमिली में बंदा सिक्योरिटी सेफ्टी पे जब आती है तो मारुति स्टैंड नहीं करती है, ये हम सब जानते हैं, उसको अच्छा कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और महिंद्रा ने लाइक जब से थार आई है, एक्सयूवी 700 आई है, तो 5-स्टार रेटिंग आ रही है, तो कोई भी एक फैमिली में बंदा अगर कार अपग्रेड करने की सोचता है तो ये जरूर सोचता है कि यार एक उनकी गाड़ी सेफ हो, सिक्योर हो फैमिली के लिए और कैपेबल हो। तो बेलिनो की कैपेबिलिटीज मैं जानता था, लिमिटेशंस थी, हम लद्दाख भी लेके गए हैं लेकिन हम ऐसे टेरेन्स पे नहीं गए वहाँ पर भी कि जो गाड़ी को नुकसान कर सकते थे। तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो और कैपेबल हो, तो मैं एक गाड़ी ढूंढ ही रहा था एक साल से करीबन करीबन। मैं इसुजु का भी सोचा था, इसुजु, लेकिन फिर यार ये उससे 10 लाख रुपये सस्ती है एक तरीके से, और फिर वो गाड़ी के अंदर वो गाड़ी अलग हो गई, ये गाड़ी अलग हो गई, बिल्कुल अलग पर अलग है। भाई ये सेगमेंट ही चेंज हो हाँ गया, बिल्कुल सेगमेंट सेगमेंट है चेंज करने का क्या प्लान था ये बताओ यार। पहले। देखो फैमिली है, फैमिली बड़ी भी होती रहती है, और ये बेलिनो और वर्सेस इसके अंदर बहुत अंतर है, तो एक बड़ी गाड़ी ढूंढ ही रहे थे तो हम यहाँ पे सेटल हुए। इवन सेटल नहीं हुए यार, ये एक परफेक्ट चीज है जो हमारे पास आ सकती थी। अच्छा तो भाई कब आपने बुक करवाई थी ये कार? ये बिल्कुल जो 30th जुलाई, 1st जुलाई को शुरू हुई थी, 30th जुलाई को, मैं तो भूल गया, थर्टी जुलाई हाँ जी 30th जुलाई को जब इसकी बुकिंग शुरू हुई थी, तो भाई मैं सुबह उठ के बैठा हुआ था, जल्दी रात में नींद नहीं आई, भाई अभी बुक करनी है, क्योंकि एक्सयूवी 700 थार के साथ भी यही हुआ था कि थोड़े समय में ही बुकिंग, मतलब आपने थोड़ी मिनट देर से करी, लोगों की साल तक बुकिंग चली गई और मैं वो नहीं चाहता था। तो उसी दिन उसी सेकंड जब बुकिंग शुरू हुई भाई, मैंने क्लिक करा और फिर अपनी भाई गाड़ी बुक हो इजीली गई। बुक हो गया था क्योंकि मेरा नहीं तो भाई, 20 मिनट बाद नहीं हुआ था नहीं लगभग। सेम 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 हाँ चीज हमारे साथ भी हुई थी, बस वो था कि महिंद्रा ने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया और 2-3 दिन में इंट्रोडक्टरी प्राइस दे दिया जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने इनिशिएट कर दी थी अपनी बुकिंग। अच्छा तो भाई मेरी तो भाई 20 मिनट में बुक हुई थी, एकदम तो हुई नहीं थी, और एक्सयूवी के टाइम पे ना 50 मिनट में बुकिंग क्लोज हुई थी, इसकी आधी मिनट में ही हो गई थी ये लगा बिल्कुल लो। बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट गेटवे हाँ मतलब टेक्नोलॉजी फेल कर दी इस गाड़ी ने। ये तो है भाई, महिंद्रा का तो देखो है दबदबा जो भी है ना। तो यही मॉडल क्यों Z4? यार देखो बजट के अकॉर्डिंग बोलूंगा, मुझे 4x4 चाहिए थी, अगर Z2 के अंदर भी 4x4 होता तो शायद मैं उसको ले लेता, क्योंकि मैं ना दूसरे फीचर्स का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ सेफ्टी को चीजें बढ़ाती है। जैसे अब इसके अंदर मुझे एक चीज मिसिंग लगती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, अच्छा अगर वो होता तो थोड़ी गाड़ी और सिक्योर होती, नहीं है तो मैं मतलब 4 लाख रुपए का डिफरेंस था एक तरीके से, या मतलब जितना भी था, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम, अगर मैं जैसे ऑटोमेटिक में बोलूँ तो आ रही है ना वो शायद से। ऑटोमेटिक में आ रही है, लेकिन फिर मुझे 4x4 नहीं मिलती उसके अंदर, क्योंकि Z4 में इन्होंने ऑटोमेटिक में फोर बाय ऑटोमेटिक फोर में नहीं फोर दिया बाय है। फोर नहीं है तो भाई कंपनी तो देखो अपने सोच समझ के मॉडल डिसाइड करती है, उनको भी अपने सेल करने हैं, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज एक में दे देगी तो चलेंगे नहीं मॉडल। नहीं वो तो भाई बात आपकी आपने बिल्कुल अभी सही तक है कितनी ड्राइव कर दिया ये यार। कार? मैंने अभी 600 किलोमीटर ही करी है लास्ट वीकेंड, जब मेरी गाड़ी डिलीवर हुई थी यार, ऑफिस है, ऑफिस के टाइम पे निकल नहीं पाते और रात हो जाती है आजकल काम अच्छा कर, मतलब अभी ये शुरू ही हुआ है, तो अब अपनी ट्रिप प्लान हो गई है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग राजस्थान ट्रिप करने वाले हैं 6 लोग, तो वो भी हम शेयर करेंगे 6 लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहता है इस गाड़ी में ट्रेवल करने का। और भाई अभी तक क्या माइलेज दे रही है कार, यार माइलेज चेक की करी बात हो बताऊँ, तो? जब इसके अंदर स्टोक टायर्स आए थे, मैं अभी वो भी बात करूंगा जो मैंने टायर अपग्रेड करे, जब मैंने स्टोक टायर्स आए थे उसके अंदर लगा लो, मेरे को पहले दिन मैं करोल बाग लेके गया था, मतलब सेकंड डे, क्योंकि शाम में डिलीवरी हुई थी, अंधेरा हो गया था, अगले दिन मैं करोल बाग लेके गया था, 30 मतलब 65
5 किलोमीटर का मेरा ऐसा लाइक राउंड ट्रिप हुआ था और उसके अंदर इस गाड़ी ने मुझे दिखाई थी 17 किलोमीटर की एवरेज। अच्छा तो भाई 17 तो बहुत ज्यादा है इसके सिटी लिए के हिसाब से। हाँ इसके अंदर यार जो इन्होंने एक ऑटो कट वाला फीचर ऑटो स्टार्ट वाला दे रखा है वो काफी एफिशिएंट है। बस वो मुझे रात के लिए और समर्स के लिए अच्छा नहीं लगता जब आपकी गाड़ी में एसी चल रहा होगा और रात में हेडलाइट्स ऑन रहती है तो बैटरी पे भी असर पड़ेगा क्योंकि यार एक एक दो दो मिनट भी कई बार जाम में खड़ा होना पड़ जाता है। और भाई इस पे ये नहीं लगता कि इरिटेट करता है कई बार रुकते के साथ ही बंद हो जाना? यार हैबिचुअल होता जा रहा हूँ मेरे को। पहले दिन तो लगा था ये क्या है लेकिन उसके बाद यार हाँ लगा कि यार इसका फायदा है। नहीं मैं तो भाई उसको बैठते के साथ ऑफ कर देता हूँ। हाँ क्योंकि यार गुड़गांव में हर जगह ट्रैफिक लाइट की बजाय लाइट ना भी हो। और चलो हमें तो पता है हमारी कार में ये फीचर है। साइड वाला बंदा ये सोचे यार ये कैसे ड्राइवर है बंद कर रहा है बार बार, ये हो जाता है। तो भाई आपने मॉडिफिकेशन क्या क्या करवाई आप दिखाओगे इसमें? बिल्कुल मॉडिफिकेशन देखो हम फ्रंट से ही गाड़ी को देख रहे थे। गाड़ी के अंदर मैंने यहाँ पे लगाए हैं फोग लैंप और इसमें आपको एक दिख रहा होगा छेद। अभी अच्छा। ये छेद भी फुलफिल हो जाएगा। इसके अंदर लगेगा पार्किंग सेंसर तो अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने फोग लैंप्स और ये DRL लगवाया क्योंकि यार ये जब गाड़ी आई थी जब मैंने पहली बार देखी थी तो यार इसकी वजह से बहुत सुंदर लग रही थी और मैं चाहता था कि मेरे जो भी मैं मॉडल बुक करूंगा इसमें आए ना आए मैं जरूर लगवानी है। इसकी फोग लाइट वाकई में बहुत अच्छी लगती है और जो इसकी DRL है उसकी तो बात ही कुछ और है। हाँ जी डे लाइट में भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी हाँ जी चलो फ्रंट में आपने यही करवाया अभी? हाँ जी अभी बल्ब शायद मैं चेंज कराऊंगा विंटर्स के बाद क्योंकि यार अभी के लिए ना इसकी जो लाइट आई है मोर देन इनफ है और विंटर्स में थोड़ी सी फोग में अगर येलो लाइट हो तो हल्का सा बेटर होता है। कितना बेटर होता है यार ये तो नहीं मालूम लेकिन होता है तो अभी के लिए रख रहे हैं और थोड़ा बजट का भी क्रंच चल रहा था तो इसलिए अपग्रेड नहीं कराया मैंने। तो इसमें LED लगवाओगे HID लगवाओगे क्या प्लान है इसका? नहीं LED HID बेटर होती है LED बेटर होती है HID HID बेटर होती है पर प्रोजेक्टर में होती है। अच्छा, HID बेटर। अच्छा तो देखते हैं नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हेडलाइट्स को चेंज करा के ZL वाली लगवाए लेकिन वो 30,000 rupees का खर्चा है तो उसको जितना देर से करे वो बेटर उतना बेटर है। अच्छा साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड में आपने कुछ चेंज करवाया है? साइड में अभी तक मैंने कराया है इसके अंदर Z8 वाले Z8L ऑटोमेटिक में जो आते हैं 18 इंचेस के लोएस। अच्छा और टायर्स 18 इंचेस के 265/60 R18। अच्छा तो कॉस्ट कर रहे थे भाई ये अलॉय आपको? अलॉयज यार ये 71,760 rupees का इसका MRP है। MQL से लो जो ऑफिशियल वेबसाइट है महिंद्रा की या फिर आप डीलरशिप से लो। अच्छा। उन्होंने मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। M12 भी आपको डिस्काउंट दे सकता है अगर आप उनसे बात करो 5% लेकिन वो 15 दिन में डिलीवर करते हैं तो इसकी यार गाड़ी मिल नहीं रही थी एकदम से आई तो मैंने कहा यार 15 दिन कौन वेट करेगा भाई 15 दिन वो बोलते हैं 2-3 महीने लगा देते हैं वो। हाँ, हाँ चलो बच गया यार मेरे को पता ही नहीं था ये चीज को। तो डीलरशिप से मुझे अलॉयज मिल गए उन्होंने भी वही प्राइस मैच कर दिया लेकिन अगर आप डीलरशिप से लेते हो तो 71,000 प्लस 2,000 और चार्ज करते हो फिटमेंट चार्ज। मतलब स्टॉक था अलॉय व्हील का ऐसा नहीं था भाई स्टॉक आउट नहीं यार लास्ट दो ही थे लगा लो कि जिस अच्छा। दिन मैंने PDI करी मैंने जैसे उनको कॉल किया भाई मेरे लिए एक रिजर्व कर लो ये किसी के पास नहीं जाने चाहिए मैं ही लूंगा कल आके जैसे होती है गाड़ी। और बस ये चेंज कराया तो यार इससे ना लुक बढ़ गई है जैसे आपने भी अपने चैनल पे वीडियो बनाया था टायर अपग्रेड करने से इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी इंप्रूव हुआ है तो मेरी कैलकुलेशन से ये कहती है इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 13 mm के करीब बढ़ा है जो भी मैंने टायर साइज कंपेयर किया। बाकी इसको मेजर करेंगे और अच्छे तरीके से मस्कुलर भी हो गई है कार ना थोड़ी हो गई है यार बहुत मतलब स्टैंस इंप्रूव हो गया आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है सड़क पे ग्रिपिंग बड़ी हो गई एक तो स्टीयरिंग हार्ड हुआ होगा स्टीयरिंग हल्का सा हार्ड हुआ है ये कह सकते हो मतलब इतना भी हार्ड नहीं हो इतना स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता है। और अभी आने वाले टाइम में मैं इसको भी ब्लैक करा लूंगा क्योंकि मुझे ये ब्लैक में ज्यादा पसंद है जैसे कि Z8L में आता है। और यहाँ पे मैंने ये बेडिंग चेंज कराई है ये स्टील बेडिंग है जैसे ओरिजिनल Z8L में आती है ये रिप्लेसमेंट महिंद्रा ओरिजिनल ये महिंद्रा ओरिजिनल है ये चिपकाया नहीं गया ये बिल्कुल निकाल के नई बेडिंग की तरह लगाया गया ये मैंने चेंज कराया है क्योंकि यार ये मेरी पुरानी गाड़ी में भी था इसका मुझे यूज केस लगता है थोड़ा बहुत कई बार रेनवाइजर। हाँ रेनवाइजर का हल्का फुल्का यूज केस लगता है ये भाई बारिश में ज्यादा काम आते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये जैसे आजकल फोग भी है थोड़ा सा शीशा खोल लिया नीचे कर लिया मिट्टी के लिए गुड़गांव में ना मिट्टी बहुत उड़ती है और थोड़ा बल्की बल्की भी लुक देती है बल्की लुक भी देती है। इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अगर मैंने ये ना कराया होता ना तो मैं ये भी क्रोम में नहीं लेता और फिर मैं ये भी क्रोम में ना कराता लेकिन सब कुछ करा के अभी यार यहाँ पे एक इशू मुझे दिखने को मिल रहा है ये इसकी टेप देख रहे हो यहाँ से निकल चुकी है और ये जबकि ओरिजिनल है ये ओरिजिनल है ये ओरिजिनल है तो सिर्फ इस वाली साइड का ही वाली साइड का तो अभी ठीक है। और इसके डोर की जो थर्ड साउंड है वो भी यार बहुत प्यारी लगती है यार दूसरी गाड़ी कोई भी गाड़ी ले आओ ये गाड़ी मतलब दिल को छूती है जर्मन कार वाली थर्ड दे दी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बैक प्रोफाइल में अपने बात करें तो कुछ चेंज है? बैक प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है बस इसमें एक बहुत प्यारी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है वो है 4x4 ये Z4 तो है लेकिन ये 4x4 ये भाई 4 एक्सप्लोर से भी ज्यादा अच्छा लिखा लग रहा है 4x4 क्योंकि देखो सब बंदों को नहीं पता 4 एक्सप्लोर क्या है जिसके पास स्कॉर्पियो या फिर 4x4 है उन्हीं को पता है
बिल्कुल। पर जो 4x4 है ना, कहीं गांव में जाओगे या किसी बड़े बुड्ढे से भी पूछोगे ना, बता देगा भाई 4x4 है ये। हाँ जी हाँ जी। फोर एक्सप्लोर को नहीं जज कर पाते अभी अभी उस चीज की नॉलेज नहीं है लोगों को, लेकिन यार वो भी अपनी जगह बहुत बेहतर है। तो भाई ये वाइपर और डिफोगर कंपनी से ही आ रहे हैं इस मॉडल में? से ही आते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं कराया अभी। अच्छा। आपको जो मिट्टी लग रही है, मैं थोड़ा मिट्टी में घुमा के आया हूँ तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया था। गाड़ी के पूरे मजे ले रहा हूँ। पूरे मजे ले रहे हो आप? आपने स्टेपनी भी चेंज करवाई है क्या? नहीं, इसकी स्टेपनी चेंज नहीं कराई है। आपने शायद करा दी है ना इसमें स्टेपनी? नहीं नहीं, मैंने भी नहीं करवाई। यूज ही नहीं आती भाई, क्या यूज नहीं आती। लेकिन मैंने सोचा था इसके अंदर ना इसे 17 इंचेस के टायर्स आते हैं, 17 इंचेस का ही रिम है, 245/65 R17। अच्छा, वो उन दोनों में 13 mm का ही फर्क है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा था कि ये 13 mm बढ़ा भी दूं ना, अंदर जो एक रोड होती है स्टेबिलिटी रोड, उस पे टच होने के चांसेस है। तो टायर वाले भैया ने कहा कि यार रहने दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे लगा हद से ज्यादा 100 किलोमीटर बाद आपको टायर शॉप मिल ही जाती है, और वैसे भी कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ यार, एक ये था कि सोचो कि लद्दाख ट्रिप कर रहे हैं, 300-400 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है, उसके अंदर भी टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जुगाड़ तो लेके चलते ही है। हाँ, यार, वो सब चीजें तो लेके चलते ही है। तो भाई मैंने जैसे आपकी वीडियो देखी थी, इन टायरों में आपका पंचर हो गया था एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा? यार दिल टूट गया था। सुबह मैं पापा को वैसे ही, मैं पापा से बात कर रहा था कि मैं पापा को बोलने वाला था यार 80 टायर्स लगवा लिए। पापा कहते इसका फायदा क्या है, अच्छे तो लग रहे हैं तो इसका फायदा क्या है। मैंने कहा यार कहीं पे भी जाएंगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है सड़क पे चलने की वो बेहतर रहेगी, दूसरा ये इतने इजीली पंचर नहीं होंगे, थ्रेड इतना मोटा है। लेकिन यार इसके अंदर कील घुस गया उसी दिन। अच्छा। वैसे नजर वजर में बिलीव नहीं रखता, लेकिन यार देखो सड़क पे चीजें चलेंगी तो यूज तो होंगी यार, ऐसा भी लोगों ने बोला है। शोरूम से निकलते ही होगी, किस्मत के ऊपर है यार वो चीज, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सड़क पे कोई चीज गिरी हुई है तो यार वो तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही। बिल्कुल आएगा भाई। भाई जैसे आप आए थे, कार लॉक कर रहे थे, मैंने आपके साइड मिरर देखे, ऑटो फॉल्ट इसमें आ रहे हैं, कंपनी से आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर मैंने ये भी अपग्रेड कराया। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये रिमोट से बंद भी होते हैं और ऑन भी होते हैं, और अंदर भी एक बटन लग गया जैसे ZE Tel में आता है, और ओपन भी होते हैं, ओपन भी होते हैं, ओपन भी होते हैं जैसे ZE Tel में भी है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ZE Tel में चाबी से नहीं है? अच्छा, चाबी से नहीं। अरे वाह, ये तो और भी ज्यादा बेहतर फीचर हो गया। ये तो आपने प्लस पॉइंट ले लिया है। और भाई ये पूरा ही चेंज हुआ है मोटर? नहीं, ये पूरा चेंज हुआ है। अच्छा, लेकिन यार सच बताऊ ना, वायरिंग के साथ वो तो कहते हैं कि वारंटी से अवॉइड नहीं हुई, लेकिन वो जो चीजें लगाते हैं वो यार कॉम्प्रोमाइज तो होती है। कल को इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कोई भी इश्यू आता है और कंपनी के पास ले जाता हूँ तो वो क्लेम कर सकते हैं कि आपने ये लगवाया इसकी वजह से हुआ है। हाँ, क्योंकि मेरे पास भी कोई जस्टिफिकेशन के लिए कोई चीज बचेगी नहीं। सही बात है। तो अपने रिस्क पे कराओ, अपने लिए कराओ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है आपकी जरूरत है तो कराओ। अपने गुड़गांव जैसी जगह पे मैं इसको सदर बाजार में भी ऐसे लेकर गया हूँ। जरूरत है, आपको चीजें पड़ती रहेंगी तो आपको करना ही है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको अपग्रेड किया। और मेन बात है भाई, अपने आगे खड़े होकर करवाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पूरा कोई कितना भी अच्छा हो मैकेनिक हो या फिटमेंट करता हो, जब ओनर खड़ा रहता है ना तो काम करने का तरीका ही अलग हो जाता है। यार वो बात तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई मॉडिफिकेशन तो देखो आपने टॉप मॉडल वाली सारी करवा दी है। हाँ, ऑलमोस्ट हो गई है। मैं इसके अंदर जैसे ग्रिल आती है क्रोम, ठीक है, मुझे सेटिन सिल्वर भी इसके साथ अच्छा लग रहा है भाई, ज्यादा फर्क ही नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। आपके पास भी ZE Tel है, आप देख रहे होगे, दूर से तो पता ही नहीं चलता, और ये लुक के साथ जा रही है, ये सोबर है। हाँ, ये सोबर है, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं लगी तो मैंने इसे कराया। लगभग भाई आपने कितने रुपए लगा दिए मॉडिफिकेशन में? यार 1,20,000 के करीब शायद। अच्छा, कैलकुलेट ही नहीं किया, कैलकुलेट करूंगा तो दिल पे थोड़ा थोड़ा लगेगा। तो ठीक है, आपको ये नहीं लगा कि मैं मॉडल ही अपग्रेड करके ले लिया? यार मॉडल अपग्रेड करने के लिए मेरे पास देखो Z6 है, इसके ऊपर Z6 के अंदर 4x4 नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है Z8 के अंदर भी 22-23 की पड़ जाती, मैनुअल 4x4 लेता। अच्छा, 22-23 से भी शायद ऊपर पड़ जाती, ठीक है। तो मेरे यार 3-4 लाख रुपए तो बचे ही है। बचे ही है। हाँ, मैंने मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरे को मिली है वो सही है भाई। दोनों अगर साइड बाय साइड भी खड़े कर देना, टॉप और ये, ज्यादा फर्क है नहीं। हाँ, आपका आप बोलो, मैं आपको ना ये बोलना चाहूंगा, आप लकी थे जो आपको Z4 मिल गई। हाँ जी यार, वो भी टाइमली। हाँ यार, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था इसको December 8 को, जब मेरी गाड़ी जो टेंटेटिव डेट्स आती थी ना, 8 तारीख की, December 8 से लेके January 7 मेरे को मिली हुई थी। तो यार मैं तो सोच के रखा था यार मेरे को December 7 को 8 को मिल जाएगी। फिर लेकिन कोई अपडेट नहीं महिंद्रा के एंड से। मैं डीलरशिप पे इतनी बार गया, वो कह रहे यार हमारे पास नहीं है तो हम आपको कैसे शेयर कर सकते हैं। महिंद्रा के डीलर है ना, कुछ भी कमिट करने से पहले 3 बार सोचते हैं, ये चीज तो मैंने देखी। हाँ, क्योंकि यार लोग अगर बोल दो ना यार, एज अ कस्टमर है हम उनके पास जा रहे हैं और उन्होंने कुछ बोल दिया और वो ना कर पाए तो उनके लिए भी है, तो उनके लिए भी वो हो जाता है।
तो भाई अभी तक तो मैं अपने आप को लक्की समझ रहा था कि ये मेरे को फर्स्ट डे मिली, नहीं यार पर भाई वैल्यू फॉर मॉडल यही है Z4, और भाई को टाइमली डिलीवर हो गया, दिसंबर में ही हो गया। हाँ जी, दिसंबर 30th को एक तरीके से। अब ये लगा लो आपकी नए साल की शुरुआत तो न्यू कार से हुई है। हाँ यार, हमने तो प्लान कर, हमने ये सोचा था यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ये मिल गई, ये और इससे बेहतर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आपने भाई ये बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन करवा ली है, टॉप मॉडल ही हो चुकी है। भाई अंदर से क्या है, अंदर से दिखाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अंदर से देख लो Z4 में आपको क्या मिलता है। ये अंदर से बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मैट लगाए हैं, बाकी जैसे आई थी वैसी है, और इसके अंदर सिर्फ एक बटन चेंज है, अभी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो भाई कलर ट्यून तो मेरे को वही लग रही है, ड्यूअल टोन, ड्यूअल टोन है, लेकिन ये हाँ। सॉफ्ट है, आप इसको भी करा सकते हो, हाँ। चीजें कराना चाहो तो ये करा सकते हो। जो आपके ग्रैब हैंडल है वो भी सिल्वर में करा सकते हो, जैसे सैटिन सिल्वर में ये आता है, आप क्रोम करा वो करा सकते हो, पियानो ब्लैक, ये सारे अच्छा कॉस्मेटिक चेंजेस लगा लो, करीबन करीबन 6 से 10 हज़ार में आप मैनेज कर सकते हो। भाई देखो, सबसे पहले है ना, मैंने जैसे खिड़की खोली है ना, तो आपके मैट मैट मेरे को बहुत प्यारे लगे हैं, सच बात बता रहा चलो हूँ। यार, बहुत बहुत तो धन्यवाद ये क्या कॉस्ट करे थे भाई आपको? यार, ये करीबन 14,000 MRP है, मैंने इसके अभी अच्छा तक पेमेंट ही नहीं करी है, ये आपको हाँ, कॉस्ट करते हैं 10,000 से 12,000 के बीच में। अच्छा। तो भाई देखो, जिस हिसाब की MRP और प्राइस है ना, प्रीमियम है हाँ, चीज। ये प्रीमियम है, हाँ उन्होंने मुझे चीजें दिखाई, एक ऑटो फॉर्म भी दिखाया, वो इससे थोड़ा सस्ता था, फिर यार ये लगा कि यार एक टायर एक ऐसी चीज होती है जो गाड़ी के हमेशा टच रहते हैं जमीन पे, और एक हमारे पैर इससे टच रहते हैं, हाँ, तो ये अच्छे ही होने चाहिए। अच्छे ही होने चाहिए। तो भाई सीट कवर वगैरह लगाने की कोई प्लानिंग? यार एक चीज अभी ना, जैसे ये मतलब हम चेंज कराते हैं, लेदरेट मटेरियल में जाते हैं या रेक्सिन मटेरियल में जाते हैं, उसमें ना आप लॉन्ग राइड में पसीना आता है, अभी तो सर्दियां, अभी तक तो कुछ नहीं है, तो और अगर मैं इसमें कराऊंगा अभी तो मैं इसको बकेटिंग ही कराऊंगा, बकेट, हाँ तो फटने ही है ये, हाँ ये तो तो जब वो तक नहीं थोड़ा है, बहुत यूज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गंदा कर लेते हैं, और फिर जब हमारा बजट अलाउ करेगा इसको भी करा लेंगे। सही बात है भाई। तो इसके आपने MID में हाँ जी एवरेज दिखाना चाहोगे एक बार, यार, क्या अभी एवरेज हाँ है? एवरेज देख सकते हो अभी तो शायद, आप ऑफ रोडिंग करके आए हो, हम समझ रहे नहीं, हैं। ऑफ रोडिंग ऐसी भी नहीं थी तो इसको एक सेकंड ऑन करते हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं एवरेज के लिए, क्योंकि मैंने इसको ना रीसेट करके आया था, अच्छा अच्छा रिसेट करके आए थे आप देखते हैं तो सीट बेल्ट के लिए, हाँ अभी 13.6 की भाई, एवरेज अभी दिखा भी रहा बहुत अच्छी है। है और ये सारी सिटी की है, जितनी भी चली है सारी सिटी में, और मैं घर से आता हूँ तो 3 रेड लाइट पड़ती है, सब चीजें होती है, तो इतनी भी एवरेज मिल रही है यार, मैं सही बताऊँ, मैं 10-11 में भी खुश था अभी अगर भी मिल बहुत गई। अच्छी एवरेज है भाई, मेरी वाली के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। अच्छा नहीं, अच्छा ये आपकी ऑटोमेटिक, और याद आपकी पेट्रोल है, डीजल ही है, अच्छा ऑटोमेटिक। ओके, तो आपकी क्या एवरेज निकल आती है करीबन मेरी तो भाई 9, 10, 8 ऐसी दे रही है। सिटी में? हाँ यार हाँ, देखो तरीके के ऊपर भी जो ये डिपेंड, वाला मैंने टैंक फुल करवाया है ना, हाँ जी इस वाले मैंने थोड़ा कोशिश किया है आराम से नॉर्मल चलाऊं, तो अब एवरेज सही दे रही है। ओके ये वाला मैंने टेस्टिंग के लिए किया है कि भाई चेक ओके करते हैं आराम से चला के भी। हाँ, नहीं यार आराम से चलाने में बहुत फर्क है। बहुत हाँ फर्क है, भाई, ये कंसोल तो देखो बिल्कुल डिट्टो सेम लग रहा है। बिल्कुल हाँ डिट्टो है, लेकिन इसका थोड़ा सा यूआई की बात करें ना, यूआई इसका हाँ थार जैसा है, जैसे थार में आता था, हाँ तो इसमें यार इतना एक्सप्लोर किया नहीं है, और मैं भी इतना एफिशिएंट हाँ नहीं हूँ, अभी इसकी कोडिंग तो मेरा एवरेज स्कोर 97 आ रहा है, ये चलता रहता है, देखो इसमें ये ये आपको बता, मैनुअल मॉडल में ही है भाई, ये ऑटोमेटिक में नहीं है, ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे मिलता है नहीं देखने को, आता मेरे में, आता है नहीं आता, शायद मैंने है, चेक किया नहीं, आप अच्छा करके दिखाना। अच्छा अच्छा चलो हाँ, ठीक है करके देखेंगे और वैसे डिस्प्ले क्वालिटी, ब्राइटनेस अच्छी है। यार, मेरे को 1% का लैग नहीं लगा जब मैं इसको फोन कनेक्ट करता हूँ, जैसे आपका वायरलेस कनेक्ट हो जाता होगा, इसके अंदर वायर्ड ही है, तो इसके अंदर एक ये पॉइंट है, लेकिन ये है कि यार साथ साथ चार्ज भी होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात ये है। फास्ट चार्ज वाली है, और ये अपना ऑटो मतलब जो एंड्रॉयड वाली है ठीक है। इससे कनेक्ट कर सकते हो, और पीछे एक USB-C दे रखा है जैसे उसके अंदर आता है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, और ये है एक चीज जिसने मुझे गाड़ी जादू की के छड़ी। ये जादू की छड़ी है, तो इसका इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं है, तो अच्छा, अभी इसमें मोड्स नहीं मिलते हैं वैसे इसमें अपना मोड्स ये। नहीं मिलते। हाँ तो भाई मेन तो यही दो चीज रहती है, 4i और 4low। आज से यार 10 साल हाँ, पहले की बात करें तो मोड्स थे ही नहीं, नहीं थे। अधिकतर गाड़ियों में नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं है, ज्यादा चीज आपको मिल रही है ज्यादा बेहतर ही चीज, है, लेकिन जो हाँ आपके पास है आप सेटिस्फाइड है तो ठीक है बिल्कुल सही बात है बेहतर, भाई। पर इससे अपना एक कप होल्डर चला गया, उसका कोई गम? यार कोई कम नहीं है, मेरी वाइफ और मैं चाय कॉफी पीते ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वो रख लेते हैं, और कई लोग बोल रहे थे कि जैसे उनको ना यहाँ पर बोतल निकालने निकालने में भी दिक्कत आई, मुझे नहीं आ रही, मैं मुझे तीनों का भी सेम ही था, ऐसा ही था, जो मेरे पास पहले गाड़ी थी वो भी ऐसी जाती थी, पीछे वाली सीट पर भी मैंने चेक नहीं किया, वो करेंगे तो, लेकिन ठीक है अगर आपको एसेसरी लेनी है तो कप होल्डर वाली वो मिल जाती है। पर स्टेयरिंग बिल्कुल सेम है, बस लेदर रैप नहीं है। हाँ हाँ, लेदर ट्रैप नहीं है, और तो लगभग सेम है स्टेयरिंग। हाँ जी एक चीज और मुझे लगती है, जो बाहर के रैप्स होते हैं ना, जैसे मैं दिखाऊं अभी ये इतना इतना नॉर्मल है यार, मतलब मेरी बेलिनो से लाइट स्टेयरिंग है इसका, ठीक है, और अभी तो इसके अंदर वो व्हील्स भी लग गए हैं, जिस सड़क पे खड़े हैं और उस पर फ्रिक्शन भी ज्यादा है, तब भी इतना इतना सिंपली कम? नॉर्मल तरीके से हो रहा है,
जो लेदरेट कराते हैं ना बाहर से, मेरा स्टाइल है मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ, जैसे सबका अपना अपना स्टाइल होता है अपना पकड़ने अपना का। रहता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जैसे अगर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर एक साथ चला रहे हो, जहाँ पे आप गाड़ी बहुत ज्यादा टर्न कर रहे हो, जो उसकी स्टिचिंग होती है ना वो आपकी स्किन पे असर करती है, मतलब वो हाँ कंफर्टेबल हाँ नहीं वो रहती। रहता है। तो अभी तो मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ, अगर मुझे कोई कंफर्टेबल रैप दिखा जो मुझे लगेगा तो करा लेंगे। तो भाई यहाँ पे अपना सेंटर स्पीकर आता है टॉप मॉडल में, इसमें नहीं है, नहीं पर है, इसमें ये अच्छा है, आप कैमरा वगैरह रख सकते हो कैमरा रख यार। सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखो दोनों के फायदे नुकसान है, उसके अंदर आता है तो वो लुक को एनहांस भी करता है, दिखने में भी प्यारा लगता है और आवाज तो आती है। और लेकिन जो इसके 4 स्पीकर सिस्टम आया है, ये मेरे लिए मोर देन इनफ है, किसी के लिए शायद हो ना हो लेकिन ये मेरे लिए मोर देन पर इनफ भाई है। मैं एक बात बता दूं ना, चलो हमें तो पता है, अगर मेरे फादर साहब हो ना, इस कार में बैठ जाए और टॉप मॉडल में बैठ जाए, वो डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। ऐसा होता है, जैसे मैं टायर चेंज कराने के लिए घर में बोल रहा था, मम्मी पापा को बोला कि मैं चेंज करा, क्या जरूरत है, नए नए तो हाँ है। टायर तो लेकिन नहीं जब है। मैं हाँ करा के आया उनको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा, क्योंकि हाँ गाड़ी ऊंची हो गई है, व्हील्स लग गए हैं, तो वो पूछ रहे थे कि इसका एडवांटेज क्या होता है, तो वो चलती रहेंगी कन्वर्सेशंस। बिल्कुल। तो सनरूफ मिस नहीं कर रहे आप इस यार मॉडल में? सनरूफ मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, अच्छा। जैसे फैमिली में अभी तो कोई बच्चा बच्चा है नहीं जिसको बहुत ज्यादा शौक वगैरह हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मतलब ये मेरा पर्सनल था, मेरे को आज तक मैंने इसका कोई साइंटिफिक रीजन निकाला नहीं है। अच्छा। शायद सनरूफ वर्सेस ये वाली गाड़ी ज्यादा सिक्योर होगी, अगर कुछ ऊपर से बिल्कुल गिरता है सही तो बात है। हाँ होगी, मतलब मैं हो एज्यूम कर रहा हूँ। और अगर उसके अंदर कोई दिक्कत, या देखो एक्स्ट्रा फीचर्स आएंगे आपको वो तो होते सहूलियत हैं। मिलेगी, होगा तो बेटर है, लेकिन मैं मिस नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था, मेरी वो मेरी रिक्वायरमेंट लिस्ट में ही नहीं था भाई वो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरी वाली एक बार सनरूफ लर्निंग भूल गई थी, उसकी लर्निंग करवाने स्पेशल महिंद्रा जाना पड़ा, वो दोबारा लर्निंग करवाई जब वो मोमेंट हुई उसकी। लेकिन यार फायदा तो होता ही, बस ये कि दिन हाँ के अंदर कई बार रोशनी है, शाम के अंदर आप उसे खोल लो, मतलब पूरा शीशा ना खोलो सिर्फ कर्टेन खोल लो तो अंदर रोशनी आती है, अच्छा लगता है। और ये अपना हार्डी है ना। ये हार्ड है, इसको भी आप करा सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है अभी तक, अच्छा। क्योंकि यार देखो आपने कपड़े तो पहने ही होते हैं, मे बी समर्स में जब आ, आ, शी टी शर्ट्स होंगी तब मैं इस पे देखूंगा तो कैसा लग रहा है। अभी तक तो यार फुल अभी बाजू तो सब फुल कुछ है। चल रहा है, हाँ तो अभी तक मुझे इस पे कोई दिक्कत लग पर नहीं है, भाई ये नहीं करवाना था। तो पड़ेगा। ये करा लेंगे, हाँ 1000 रुपीज के अंदर बहुत इजीली हो हाँ जाता है, और आप चाहो वो कलर हो जाता है, इंटीरियर जैसा चाहो वैसे हो जैसा जाता है, चाहो वैसे वैसा हो हो जाता है। जाएगा। हाँ देखो पीछे बैठे हो आप अभी तक? मैं ना सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के घर गया था अच्छा नियर बाय। लास्ट वाली सीट पे बैठे हाँ हो। क्योंकि वो सब लोग कहते हैं हम आगे बैठेंगे, तू जा पीछे, तो मैं बैठा, मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। लेकिन यार देखो लॉन्ग रन के अंदर बैठने में तो शायद थोड़ी लगेगी, क्योंकि मेरी हाइट लगेगी। 5'9" है, शायद फाइव और पॉइंट भाई अभी फाइव तो विंटर से देखो एसी वेंट नहीं है हाँ पीछे, हाँ तो फर्क तो पड़ेगा ना अभी अभी समर्स तो, में। हाँ अभी तो नहीं है, ये वाली सीट पे नहीं बैठा, लेकिन मेरी वाइफ बैठी है तो उनको ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं। तो भाई आप जैसे कि ट्रैवल करते हो हाँ जी काफी, हाँ जी हाँ जी तो ट्रैवल करने वाले बंदे को बूट स्पेस भी चाहिए, बिल्कुल तो चाहिए। कहाँ बूट स्पेस के बारे में क्या बोलना चाहोगे स्कॉर्पियन के? है वुड स्पेस, है ही नहीं इसमें। तो बस ये है कि यार अगर आप 5 लोग ट्रेवल कर रहे हो ना तो भी आपका सामान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें छोटे बैग्स आ सकते हैं, और जैसे हम 6 लोग ट्रिप प्लान करने वाले हैं अभी बहुत जल्दी, वो हमारे चैनल पे भी आएगा, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे सामान एडजस्ट करते हैं, कि क्या ये 6 सीटर या 7 सीटर है जिसमें आप ट्रेवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो रूफ कैरियर भी लगवाते हैं, और शायद मतलब ये नॉन कमर्शियल व्हीकल है, तो मेरे हिसाब से अगर आप रूफ कैरियर लगवा लीगल भी नहीं लेते है। हो लीगल नहीं है, मतलब पूरी नॉलेज नहीं है लेकिन नहीं कह लीगल सकते नहीं है। लीगल नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है यार, अब नई गाड़ी ली है और पर महिंद्रा ने ऐसा नहीं करने देना था, ये स्प्लिट, 50-50 दे हाँ देना था ना। बिल्कुल इसको स्प्लिट करते ना हाँ यार बहुत कम बेहतर हो से जाती, कि छह, यहाँ पे बैग बैग पेल दो एक और साइड यहाँ पे बैग आ गया एक एक साइड साइड बंदा आ बैग, गया। ये करना चाहिए था। मे बी नेक्स्ट वर्जन में करें, लेकिन उनकी भी कोई लिमिटेशन रही होगी, कॉस्ट कटिंग या कोई भी चीजें होंगी कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यार सारी ब्रांड्स कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना चाहती हैं इस तो टाइम पे। आप कैप्टन सीट में क्यों नहीं गए? यार कैप्टन सीट्स में, क्योंकि ना यार देखो अगर हम 5 लोग ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है, तब भी 5 लोगों के बीच में ना यार वो ना मिस होती है कि यार कि पीछे वाली थर्ड जगह रो में बैठना, जा रहा थर्ड है रो में पांचवा जाना, बंदा। वो वाला हाँ लगता है वो इसलिए मेरे। मेरे पुरानी वाली स्कॉर्पियो में रहता था मेरे हाँ साथ तो की। वो इसलिए मेरे पास मेरे कजन के पास है MG Hector, MG Hector ही है ना, हाँ हाँ MG हाँ Hector हेक्टर प्लस। हेक्टर प्लस है, तो उसकी 6 सीट्स वाला कैप्टन सीट्स वाला है, पीछे तो शायद बेंच ही है मेरे को ध्यान नहीं है, बीच में कैप्टन सीट्स है, तो उसके अंदर उसने मुझे कहा था कि यार उसने 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया उसको गाड़ी लिए हुए, अच्छा। तो उसने कहा कि यार बेहतर यही रहता है कि कैप्टन सीट्स मत लो, और कैप्टन सीट्स इस वाले मॉडल में आती भी नहीं थी, मतलब जो मैंने Z4 लिया है। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ, आप हैचबैक से अपनी एक्सयूवी में आए प्रॉपर, हाँ वो जी भी 4x4, हाँ जी
तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है? यार मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है इसको, उल्टा गाड़ी को चलाने में मेरे को आसानी हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी विजिबिलिटी बढ़ गई है, ऊंची हाइट पे बैठे हुए सारी चीजें दिख रही हैं पहले से। अच्छा लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान और रखना पड़ रहा है, जैसे अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी हो तो उसमें अंकल बेन होते थे, हाँ अंकल बेन ने हाँ स्पाइडरमैन को कहा था विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा तो आपके पास थोड़ी पावर बढ़ गई है तो आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा सड़क पे। जैसे मैं पहले बलिनों के साथ लेन चेंज ईजी कर लेता था, मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यार थोड़ी गाड़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि मुझे नुकसान नहीं हो रहा तो किसी और को भी नहीं होना सही चाहिए। बात है। बॉडी रोल की बात करें तो बॉडी रोल का बताओ आप। यार सही बताओ ना, बॉडी रोल ना जैसे एक ना एक्चुअल में टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाए ना, बॉडी रोल क्या होता है, बॉडी रोल होता है कि गाड़ी की मूवमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, हम तो अंदर बैठे हुए हैं, इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया भी काम करेगा, हम भी थोड़े बहुत मूव करेंगे, तो मुझे ना महसूस नहीं हुआ इतना। अच्छा मैंने थोड़ी सी तेज चलाने की भी कोशिश करी, इधर उधर मोड़ने की कोशिश करी, वो यार इनफ है इस लेवल इस साइज की गाड़ी। टेक्नोलॉजी तो है लोगों के पास, सस्पेंशन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं, तो जैसे फॉर्च्यूनर हो गया उनमें बॉडी रोल ना के बराबर है लोग कहते हैं, मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन मेरे को महसूस नहीं हुआ इसमें भी। अच्छा इसमें भी नहीं हुआ भाई, पुरानी वाली में है, नई में पुरानी नहीं है, वाली में तो बहुत है कम। यार आप ऐसे ऐसे झूलते हो, सही मेन तो बात वही है हो भाई। गया। इसमें इन्होंने सस्पेंशन में बहुत काम किया है, इसमें शायद वॉट्स के सस्पेंशन है जो इसुजु भी यूज करता है, पेंटालिंग। पेंटालिंग सॉरी पेंटालिंग के, हाँ तो वो इसुजु भी यूज करता है, इवन 35-40 लाख की गाड़ियों में भी वही आता है। वही आ रहा है। तो अगर एक साइड हम फॉर्च्यूनर रखे और एक साइड स्कॉर्पियो एन। देखो यार वो अपनी जगह ही अपनी जगह है, लेकिन ये अपनी जगह जहां पर है ना इसको कोई हिला नहीं सकता। ये तो ये लगा लो, ये हर जगह है, ये हाँ अब तो है ही यार, देखो, कोई किसी का 14 लाख का बजट है उसमें भी आ रही है, किसी का 50 लाख का बजट है उसमें भी आ रही है, हाँ देखो पचास, पैसे हाँ बच ही रहे हैं पैसे ना। तो बच ही रहे यार, हाँ, फॉर्च्यूनर से आधी से मतलब आधी और से भी बहुत कम कीमत फंक्शन पे ज्यादा, फीचर ज्यादा। यार। फीचर्स जितने भी लगा लो, एंडेवर थी, एंडेवर फॉर्च्यूनर से फीचर्स में बहुत ज्यादा आगे बहुत थी, ज्यादा बहुत थी। ज्यादा आगे थी। ठीक है, लेकिन फोर्ड चली गई है, अब कोई सोल्यूशन नहीं है। आज भी किसी बंदे से, फॉर्च्यूनर वाले लोगों से भी पूछो ना, वो भी कहते हैं यार एंडेवर बहुत अच्छी गाड़ी थी, और इंडिया में हम रहते हुए देख के आए हैं, बड़ी बड़ा जैसे पॉलिटिशियंस के पास चलते हुए वो जो गाड़ी का रुतबा है, तो फॉर्च्यूनर और एंडेवर से कोई नहीं छीन सकता। सही ठीक है, बात है। इसका अपना ही अपनी जगह बनाने वाली, इन्हें बना ली अपनी जगह मार्केट के अंदर। देखो स्कॉर्पियो क्लासिक तो अलग ही उसका क्या फैन बेस लगा लो, हाँ जी पर ये अपना अलग फैन बेस बना रही है, बिल्कुल डिफरेंट। अपने भाई जॉब करने वाले, काम करने वाले, ऑफिस वाले सब लेते हैं इसको भाई। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, इवन मैंने आज से कुछ साल पहले पुरानी वाली फॉर्च्यूनर भी सोची थी। ये तो अपने नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ट्रेंड है कि यार ये गाड़ी इसको बिलोंग करती है, ये गाड़ी उसको बिलोंग हाँ करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, गाड़ी सबको बिलोंग करती है अगर वो आपकी नहीं नीड्स को भाई, पूरा कर दे, सोसाइटी जज कर लेती है। सोसाइटी अगर जज कर लेती आप है कंपनी में अपनी क्लासिक लेके जा रहे हो ना, तो आपकी इमेज थोड़ी अलग ही रहेगी उस पे। यार। सच वो तो है, बात है ये। वो तो है, वो तो है, लेकिन यार हाँ, पर ये आप स्कॉर्पियो, ये हाँ एन लेके जा रहे हो, तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप लगोगे, कोई ऐसा नहीं है कि भाई। हाँ जी ये तो वो है। तो है। अगर मैं बोलूं किसी ने स्कॉर्पियो लिया तो सबसे पहले दिमाग में वही आएगा पुरानी वाली, ये स्कॉर्पियो एन है। ठीक तो है भाई ये भाई का कुछ ओनरशिप रिव्यू था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। भाई का भी चैनल है, वहां जाके भी सपोर्ट करो, भाई के 1K होने वाले हैं, जल्दी करवाओ भाई, एक हाँ बार जी नाम यार, बता दो। चैनल का नाम है लाइफ राजी। अच्छा, तो भाई प्यार दिखाओ जितना हो सके, है ना, उतना सपोर्ट करो भाई को भी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।